Good evening. Good evening. The Swiss champions are saying good evening. All the parents, I think you should also learn to say good evening. Thank you. I can hear all that energy. While your children are getting into the queue, which they have done so beautifully, I want to welcome you all today on this beautiful day, this beautiful evening, in this wonderful venue for Fahrenheit 2020. Welcome once again. As a school, hum safety aur security pe kaafi focus karte hain. Aur I think one of the most important things for schools and school leaders and public institutions is safety aur security pe jo processes hum set karte hain, wo bahut important hota hai kyunki liye hamare bacche wo dekhte hain. Aur jab hamare bacche wo dekhte hain, hamare bacche seekhte hain. Almost 2 months ago, three months pehle, main ek bahut achha workshop attend kiya tha Bombay mein, jahan pe Indian Navy ka ek bahut senior officer, जो सीनियर नेवल आर्किटेक्ट था, उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि एक बच्चे ने कैसे ऑलमोस्ट 10-12 लोगों का लाइफ सेव किया, क्योंकि ले वो बच्चे को फायर सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी. आई थिंक एज अ स्कूल, एज अ फैमिली, as a community, हमें ये information हमारे बच्चों तक और हमारे घरों तक पहुंचाना है. और मेरा वो एक सपना था कि एक दिन मैं आपको मिस्टर राजेश शिर्के, जो वो एक्स नेवी आर्किटेक्ट थे, कि एक दिन मैं उनको आपके पास लाऊं. उसके पहले हमने ये सोचा है कि हमारे स्कूल में फायर सेफ्टी मेजर्स डेवलप करने के लिए, और मिस्टर राजेश शिर्के और उनके टीम ने हमारे स्कूल में आके एक फायर ऑडिट प्रोसेस सेटअप किया. इनफैक्ट अगले 2-3 हफ्तों में वो फायर इवैक्यूएशन ड्रिल्स और ऐसे सारे स्किल्स हमारे बच्चों में और हमारे टीचर्स और स्टाफ में वो सिखाने वाले हैं. मैंने सर को रिक्वेस्ट किया कि अगर वो यहाँ पे आ सकें और हम सबको थोड़ा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन या थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देंगे, तो आई थिंक हम कुछ नया सीख पाएंगे. क्या आप मिस्टर राजेश शिर्के से मिलना चाहते हो? यू हैव टू नो कि हमारे कम्युनिटी के जो हीरोज हैं, जो रियल हीरोज हैं, दे आर द वंस हु सेव लाइव्स. Like your policemen and your fire brigade and emergency workers, national disaster response team, the army people, the soldiers, these are real heroes. Jo roj apna jaan dusre logon ko save karne ke liye apna jaan literally, you know, pesh karte hain. So I think I'm very happy to introduce you to Mr. Rajesh Shirke and his team. Mr. Rajesh Shirke, if you can please come up. And feel, if you can give them a big round of applause. Sir, kuch samay lenge aur aapko kuch information share karenge. Over to you, sir. Thank you. Saab, jis ladki ke baare mein baat kar rahe the, ya to ko hansi mazak aur maza to chalte rehta hai. Life mein ek hi baar gadbad hota hai. Aur us din us ghar mein jo maa baap hai, agar unhone sahi kaam kiya, to ghar mein bach gaye. Galat kaam kiya to khatam. घर में आग और ये सब इमरजेंसी रोज रोज नहीं लगता है. साहब, जिस लड़की के बारे में बात कर रहे थे, ये 6th स्टैंडर्ड की बच्ची है और इसके घर में 24-स्टोरी बिल्डिंग है मुंबई में, तो उस बिल्डिंग में रात को 2:15 बजे आग लग गया. अब बिल्डिंग में एक ही स्टेयरकेस होता है, आग ऐसे लगे तो पूरा स्टेयरकेस भरा हुआ है और आग अब नीचे से बढ़ते बढ़ते ऊपर आ रहे हैं. अब इस लड़की के जो माँ बाप हैं, उन लोग देखिए नीचे तो जा नहीं सकते, पूरा धुआं भरा हुआ है, ऊपर टेरेस का दरवाज़ा बंद है, तो आगे कुआं पीछे खाई, बीच में फंस गए, मौत निश्चित है. तो उसके पिताजी ने कहीं पर सुना था
कि गीला कपड़ा करो, उसको मुंह में ऐसे लगाओ और ऐसे करके निकल जाएंगे। तो बोल रहे कि एक काम करो, सभी गीला कपड़ा करके ऐसे निकल जाएंगे। लेकिन उस बेटी ने अपने पिताजी को बोला, डैडी हम लोग 17th फ्लोर पे है और 17th फ्लोर पे आप ऐसे गीला करके नीचे नहीं पहुंचेंगे, जब तक हम लोग पहुंचेंगे हमारी लाशें पहुंचेंगी। तो पिताजी बोले, फिर बेटी करना क्या है? बेटी बोली, मैं बताती हूँ क्या करना है पिताजी। उसने बोला कि सभी को, अपने दो छोटे भाई बहन, अपने माता पिता को लिया, और वही नहीं थे साथ में और 15 लोग भी थे उस आजू बाजू के लोग, और हमको भी नहीं पता क्या करना है, बेटी बताओ क्या करना है। तो ये 15 लोगों को उस लड़की ने क्या किया, उसने लेके गए अपने कोने वाले फ्लैट में, बोला इस फ्लैट में जाओ, कोने के फ्लैट में। दरवाज़ा खोला, अंदर घुस गए, दरवाजे को बंद कर दिया, बाहर से धुआं अंदर आ रहा है, तो उसने टॉवल को गीला किया, डुबाया पानी में, गीला किया, उसको निचोड़ा, और दरवाजे और फ्लोर के नीचे जो गैप होता ना छोटा सा, उसमें पूरा घुसेड़ दिया। तो बाहर से जो धुआं है अंदर आना बंद हो गया, लेकिन रूम में ऑलरेडी काफ़ी धुआं था। तो करना क्या, उसकी माँ ने बोला एक काम करो, खिड़की खोल दो, धुआं निकल जाएगा। तो उसकी माँ ने जैसे ही खिड़की खोला तो धुआं तो बाहर क्या गया, लेकिन उस बिल्डिंग में जो आग लगा हुआ था और हवा का डायरेक्शन ऐसे बह रहा था, तो पूरा आग अंदर घुस गया। माँ डर गई, उसने फट से खिड़की वापस बंद कर दिया, बोला खिड़की खोलो तो आग बाहर से अंदर आ रहा है। तो करना क्या, और अंदर ऑलरेडी इस रूम में काफ़ी धुआं था, और सबको मालूम है कि आग में लोग ज़्यादा मरते नहीं, 80% लोग जो मारे जाते हैं आग में, वो मारे जाने का कारण होता है धुआं, धुआं ज़्यादा अंदर चला गया। तो बोला करना क्या, फिर उस लड़की को जो स्कूल में सिखाया था, ट्रेनिंग काम में आया, ऐसी कहीं पर उसने सीखा था फॉरम में, तो वहाँ पर लड़की ने बोला सभी को, बोला ज़मीन पर लेट जाओ, अपना दुपट्टा, साड़ी का पल्लू फाड़ो, रुमाल, नैपकिन गीला करो और अपने मुँह पर रखो, क्योंकि ये गीला कपड़ा जो है, दिस गोइंग टू एक्ट लाइक अ फिल्टर, धुएँ को फिल्टर साफ करने वाला यही गीला कपड़ा है। तो उसने वही किया, तो 15 मिनट तक लोग नीचे, जो 15 लोग थे, सब 20 मिनट तक ऐसी थे। तभी फिर फायर ब्रिगेड का गाड़ी का आवाज़ सुनाई दिया। अब आप 17 माले पे फंसे हो, फायर ब्रिगेड को कैसे पता लगेगा नीचे आप फंसे हो? तो आपको कुछ सिग्नल करना पड़ेगा। दूसरा, उस रूम में आग अंदर आने की कोशिश कर रही, तो उस लड़की ने एक अच्छा काम किया, उसने उस रूम में रखा हुआ जो भी मोटा जलने वाला सामान था, पिल्लो, बेडशीट्स, जो भी था, सभी उठा के 17 माले से खिड़की के बाहर फेंक दिया। बोला भले गर्मी अंदर आने दो, लेकिन जलने के लिए कुछ होगा नहीं तो आग लगेगा नहीं। कितना ज़बरदस्त आइडिया है, सब उठा के बाहर फेंक दिया। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी भी चीज़ थी जो हैवी है, जैसे फर्नीचर है, उसको आप फेंक नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा, उसको गीला कर दिया। एक्सीलेंट, गर्मी अंदर आ रहा है लेकिन अगर वो ठंडा होगा, गीला होगा, तो आग जल्दी पकड़ता नहीं। उसके बाद में वहाँ पर फायर ब्रिगेड आ गया, लेकिन फायर ब्रिगेड को पता कैसे चलेगा? तो इन्होंने क्या किया, उसने अपनी माँ का दुपट्टा लिया और उस दुपट्टे को लेके उन्होंने खिड़की खोल के वहाँ से ऐसे हिलाना स्टार्ट किया। नाउ दिस इज हाउ यू हैव टू गिव सिग्नल। आज हम लोग बड़े बड़े बिल्डिंग में चले जाते हैं, नीचे से फायर ब्रिगेड को पता भी नहीं चलेगा, आपने हाथ किया तो दिखेगा भी नहीं। तो दुपट्टा लेके जब ऐसे हिलाया तो दैट्स एन इंडिकेशन। फिर फायर ब्रिगेड ने अपना स्नॉर्कल ऊपर किया, जो ऊपर गए 17 माले पे, देखा यहाँ पर 15 लोग फंसे हुए, सबको बचा दिया। एक 6 साल की लड़की ने, 6th standard की लड़की, जिसके स्कूल में कभी ऐसे ट्रेनिंग हुआ था और उसको ध्यान था, उसने एक नहीं 15 लोगों का जान बचाया। और अगर आपने पेपर में पढ़ा होगा तो 26 जनवरी को उस लड़की को, उसका नाम है जैन सदावर्ता और लड़की पढ़ती है इंटरनेशनल डॉन बॉस्को स्कूल माटुंगा में, उसको प्रेसिडेंट ब्रेवरी अवार्ड मिला। और याद रखो, इस बिल्डिंग में जहाँ पर 15 लोगों की इस लड़की ने जान बचाया, उसी बिल्डिंग में 5 लोग मर भी गए थे। ये वो 5 लोग थे जिनको कुछ पता नहीं। तो इन लोग बोल रहे कि जल्दी करो, हमारे फैमिली फंसा हुआ है, लिफ्ट में चलो। तो लिफ्ट में पकड़ के ऊपर गए, लेकिन हमेशा कहा गया कि लिफ्ट का इस्तेमाल करना नहीं है, लेकिन ये तो पता नहीं होता। तो लोग लिफ्ट का इस्तेमाल किए, उसी लिफ्ट में मर गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब इमरजेंसी होगा तो आपका नॉलेज ही आपको बचाएगा। आजू बाजू वाले लोग आएंगे जरूर, लेकिन वो आएंगे तुम्हारा फोटो खींचने के लिए, कोई तुमको बचाने नहीं आएगा। तो अगर माँ बाप को पता नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। अभी यहाँ पर हम लोग जो आपके सामने डेमो दिखा रहे हैं, इसको ध्यान से देखना, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं आपकी किचन के अंदर में। ये रोज इंसिडेंट होता है, बस एक दिन अपने घर में नहीं होना चाहिए। और हम लोग ने क्या बना के रखा हुआ है कि आग लग गया पानी डाल दो, सबसे डेंजर फार्मूला है। तो पानी हर सोल्यूशन, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। तो अभी यहाँ पर देखो, आप अगर दिख रहा है यहाँ पर आग लग गया है, तो इसको ग्लास मत समझिए, ऐसे समझिए आपके घर की तेल की कढ़ाई है और कढ़ाई में आग लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि ध्यान रहा नहीं। तो हम लोग के घर में क्या फार्मूला बना के रखा हुआ है, आग लग गया पानी डाल दो। कुछ तेल का आ गया, इलेक्ट्रिक का आ गया, गैस का, ये कुछ पता नहीं। तो अभी देखते हैं इसके ऊपर पानी डालने से क्या होता है। आपके सामने देखिए, तो आग बुझ रहा है या बढ़ रहा है? बस, लेकिन हम लोग ने तो फार्मूला वही बना के रखा हुआ है। अब याद रखो, यहाँ पर हमने पेट्रोल डाला हुआ है, तो पेट्रोल क्या, ये चुपचाप बाहर आ जाता है। लेकिन आपके घर में जो तेल है ना, कुकिंग ऑयल, ये है सैचुरेटेड फैट, ये चुपचाप नहीं आएगा। आपने एक गिलास पानी डाला ना, वो पूरा भड़का कैसे बाहर आएगा। और जितना तेल कढ़ाई में होगा ना, उतना तेल उस औरत की साड़ी पे, फिर वो औरत कभी अपनी माँ है, कभी बहन है, कभी बेटी है।
और उस औरत को सेकेंड चांस मिलेगा नहीं। आज की तारीख में अगर आपका ऊपर का पूरा चमड़ी जल गया ना, थर्ड डिग्री बर्न्स, तो एक महीने का खर्चा है 18 लाख रुपया। और 18 लाख रुपया खर्चा होने के बावजूद भी अपनी बीवी बेटी बचेगी, इसका गारंटी नहीं है। सो कहने का मतलब है, तेल का आग में कभी भी पानी डालना नहीं है, इलेक्ट्रिकल आग में पानी डालना नहीं है, गैस के आग में पानी डालना नहीं है, वो और भड़क जाएगा। मट्टी डालना नहीं है, मट्टी भी डालोगे उड़ाएगा, फिर करना क्या है? तो ऐसी कांदिवली में हमारे यहाँ पर, जहाँ पर मैं रहता हूँ, अभी दिवाली जस्ट लास्ट अभी जो खत्म हुआ नवंबर में, तो वहाँ पर ऐसी गैस पे अपना एक जगह मिठाई बन रहा है, एक जगह अपना चावल पक रहा है, और एक गैस का रबर ट्यूब को पकड़ के कॉकरोच बाहर आ गया। मैडम ने देखा मेरे घर में कॉकरोच, निकाला अपना हिट का स्प्रे, और उन्हें वो हिट का स्प्रे लेके उस कॉकरोच के ऊपर मैं मार दिया। अब उसके बाद में कॉकरोच मरा कि नहीं मरा ये तो पता नहीं, लेकिन वो मैडम 2 दिन तक, शी गॉट बर्न, 2 दिन तक एडमिट थी, तीसरे दिन दम तोड़ दिया। उसके भी 2 बच्चे थे, उसका भी हस्बैंड था, लेकिन उस हिट्स का स्प्रे ने उसको दूसरा मौका दिया नहीं। उस औरत ने क्या गलती किया ये देख लो, क्योंकि ये हिट्स का स्प्रे आप लोग के घर में भी है। फिर ये जो भी स्प्रेस का बॉटल्स होता ना, फिर वो डिओड्रेंट है, रूम फ्रेशनर है, कार फ्रेशनर है, ये बड़ा डेंजर चीज़ है। उस औरत ने कैसे, क्या गलती हुआ ये आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, ध्यान से देख लो। अभी हवा थोड़ा ज़्यादा है इसलिए वो नहीं लग, लेकिन आपको मैसेज मिल गया है। जो मैडम को पता नहीं था कि ये जो हीट का स्प्रे यूज़ कर रही है कॉकरोच मारने के लिए, मच्छर मारने के लिए, ये पूरा जो अंदर लिक्विड है ये पूरा कम्बस्टेबल लिक्विड है, क्योंकि गैस चालू था, एम तो किया कॉकरोच को, लेकिन आगे बगल में आग लग रहा है, पूरा कैन फट गया। आग तो इधर भी लगा था लेकिन यहाँ पर कुछ फटा नहीं, तो वहाँ पर वो औरत कैसे जल गई? आग तो इधर भी लगा लेकिन वहाँ पर पूरा कैन फट गया था, पूरा कंटेंट साड़ी पे पूरा जल गई, 2 दिन एडमिट, 3rd डे शी डाइड। गलती क्या हुआ वो ध्यान से सुन लो, क्योंकि ये गलती आपके घर में होना नहीं चाहिए। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, जब आग लगा था ना, तो आग इसके मुंह तक आया था, ये जो ट्यूब आपको दिख रहा है इसके मुंह तक आया था। मैडम ने जब इसको यूज़ किया था, तो ये इसका आगे का ये जो ट्यूब है ये कहीं पर गिर गया था, तो उन्होंने पकड़ के सीधा इसको मारा, तो आग आ गया इसके मुँह तक। फिर ये है पतला सा एल्यूमिनियम का कैन, फिर ये जो फट गया और पूरा अंदर का लिक्विड पूरा साड़ी के ऊपर, आग साड़ी के ऊपर पूरा जल गई, 2 दिन एडमिट, 3rd डे शी डाइड। कहने का तात्पर्य एक कि अगली बार जब भी आप कोई ऐसा कैन खरीदते हो, तो उसके ऊपर एक सिंबल होता है, यहाँ पर देखो एक सिंबल है, यहाँ पर देखो सिंबल में लिखा हुआ कि अंदर जो कंटेंट्स है, अंदर का जो लिक्विड है, वो कंबस्टेबल है कि हर्बल है, आपको ध्यान से देखना है। अगर वो कंबस्टेबल है तो लो मत, हर्बल का 20 रुपया कीमत ज़्यादा है, लेकिन वो जान बचाएगा, वो जलेगा नहीं, ये कंबस्टेबल है जलेगा। जिस दिन आपने अगरबत्ती दिए के सामने मार दिया ऐसे ऐसे करके, पूरा फटेगा। तो ये सभी चीज़ हम लोग के घर में कुछ पता नहीं, हम लोग खरीदने में एकदम ले लेते, कभी पढ़ते नहीं इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो अभी हम लोग दूसरा देख रहे हैं कि आपके घर में अगर तेल की कढ़ाई में आग लग गया, पानी तो डालना नहीं है, मट्टी डालना नहीं, तो करना क्या? फिर बुझाना तो है, एक्सटिंग्विशर तो अभी देखो यहाँ पर लगा हुआ सब जगह, लेकिन ये एक्सटिंग्विशर अपने घर में तो है नहीं, लेकिन आग तो बुझाना है, क्योंकि आग फिर बढ़ गया ना, तो फिर पूरा घर आपका जल जाएगा। तो क्या करना है, एक सिंपल तरीका है, जैसे आपको भी अगर किसी को मारना है ना, तो क्या करना पड़ता है, गला घोटना पड़ता है, उसका गला घोट दो, उसका सांस बंद हो गया, मर जाएगा। आपको आग का भी ऐसे ही करना है, गला घोटना है। अभी कैसे गला घोटना है वो ध्यान से देख लो। तो उसके लिए होना चाहिए आपका ढक्कन, जो सॉस पैन का ढक्कन है, उस ढक्कन को लेके इसके ऊपर रख दो, एक्सीलेंट। लेकिन ढक्कन नहीं है, काम वाली भाई ने ढक्कन कहाँ डाल दिया पता नहीं है, तो ढक्कन बनाना पड़ेगा। कैसे ढक्कन बनाना है वो ध्यान से देख लो। उसके लिए चाहिए टॉवल या नैपकिन, जो उस कढ़ाई से बड़ा हो, इसको लेके पानी में डुबाओ। पानी में डुबाना जरूर है, लेकिन उसके बाद एक काम करना है, और वो काम नहीं किया ना आपने, तो ये पूरा धमाका हो जाएगा। वो काम क्या है, उसको निचोड़ना है, पूरा पानी को निचोड़ना है, पूरा पानी को निचोड़ना है। पानी में डुबाना जरूर है, लेकिन अगर आपने निचोड़ा नहीं तो धमाका होगा। फिर इसको पकड़ने का तरीका देखो, आपने अगर ऐसे पकड़ा उंगलियां बाहर की तरफ, जैसी नज़दीक गया आपकी उंगलियों में, जैसी चटका लगेगा कपड़ा छूट जाएगा। तो पकड़ना ऐसे है कि ये उंगलियां आपकी जो है वो अंदर की तरफ होनी चाहिए, फिंगर्स शुड नॉट बी एक्सपोज्ड। उसको लेके धीरे से प्यार से ढकना है, झटका नहीं देना है, कढ़ाई गिर गया तो पूरा तेल किचन में फैल जाएगा। ऑक्सीजन सप्लाई कट, फायर गैस एक्सटिंग्विश। ढक्कन नहीं मिला कोई बात नहीं, ढक्कन बनाना पड़ेगा, ताली कौन बजाएगा, ये हुई बात। ओके, सो इसका मतलब ये भी है कि ऐसा कोई भी चीज़ जो इस कढ़ाई से बड़ा है, जो उस कंटेनर से बड़ा है, इट कैन बिकम एन एक्सटिंग्विशर। तो आपके बच्चे का ड्राइंग बुक, ये सिर्फ ड्राइंग बुक नहीं, ये इस पेट्रोल के आग को बुझाएगा। आपको शक है,
आपके सामने कर लेते हैं। अगर आपने गलत किया तो ड्राइंग बुक जल जाएगा, इसको सही किया तो ये इस आग को बुझा देगा। तो लॉजिक ये है, हमको ऐसा कुछ भी चीज़ चाहिए जो मोटा हो और जो उसको 100% कवर करे, आग बुझ जाएगा। ये देखो ड्राइंग बुक, पकड़ने का तरीका, उंगली अंदर की तरफ और उसको कैसे डालेंगे वो ध्यान से देख लो, ये हो गया है। वैसे आपका न्यूज़पेपर से भी हो सकता है, गलत किया जल जाएगा। तो इसको ऐसे करके मत डालो, ऐसे डालेंगे आग आपके ऊपर आएगा। तो डालते टाइम पे इसको ऐसे डालना है कि पहले एच को बंद करें। ये देखो सेम न्यूज़पेपर, आज का आपका आया हुआ न्यूज़पेपर, गलती किया तो पेपर जल जाएगा, सही किया तो ये पेपर बुझा देगा। बस इसको एच को कवर करना है, डालने के बाद भी इसको चारों तरफ से दबाना है। सिर्फ छोड़ के भाग गए तो आग बुझेगा नहीं, दबाना है इसको चारों तरफ से, कहीं से भी हवा नहीं मिले। अगर आग को एक सेकेंड भी हवा नहीं मिला, आग जल नहीं सकता है। इसको गला घोट दो, गला घोटना है। तो इसका मतलब है कि कोई भी बड़ा बर्तन है, कुछ भी है तो भी चलेगा। लेकिन आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। अगर आपके घर में ये चीज़ लगा हो, जो मेरे घर में, इसको बोलते हैं किचन फायर ब्लैंकेट। ये एक ऐसा कपड़ा है जो आग पकड़ता नहीं है, जो जलता नहीं है। ये सब मार्केट में आ गया, क्योंकि एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करने के लिए नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। कपड़ा डालने के लिए कोई नॉलेज ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। इसमें एक छोटा होल भी दिया है, बस इस कपड़े को लेना है और जहाँ पर भी आग लगा है उसके ऊपर डाल देना, क्योंकि ये कपड़ा जलता ही नहीं है, ये फायर रिटार्डेंट है। हवा को कट कर दिया, इसको गीला करने की जरूरत नहीं, पकड़ के बुझा दिया। फिर घर में इलेक्ट्रिकल का फायर हो, उस लैपटॉप को लग गया उसको लपेट दो, LPG सिलेंडर में आग लग गया उसको लपेट दो, और माँ की साड़ी में आग लग गया, उस दिन बचाने वाला यही कपड़ा है। अभी पूछो मत साहब इसका कीमत क्या है, फिर तुम्हारी माँ की जान का कीमत क्या है। तो अगर माँ की जान का कीमत लगा नहीं सकते, तो इन चीज़ों का भी कीमत लगा नहीं सकते। दे आर ऑल प्राइसलेस। इसका जो भी कीमत हो अपने घर में होना चाहिए, एक्सेलेंट आइटम। इसमें एक होल भी दिया गया है, आइडली आपके किचन में लगा रहना चाहिए। जिस दिन ऐसे तीन प्रकार का आग लग गया, इलेक्ट्रिकल, ऑयल और गैस, जहाँ पानी से काम नहीं चलेगा, इस कपड़े को निकालना है और उसको पकड़ के उसके ऊपर सीधा डालना है। राइट, अभी दूसरा जो डेमो आपके पास में, उसके बाद में हम लोग बंद कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों का प्रोग्राम स्टार्ट होगा। लेकिन ध्यान से देख लो, सूरत का क्लिपिंग हम लोग ने सबने देखा है। सूरत में जो चौथे माले से बच्चों ने खुद ही मारा था, ये कोई आठवीं नवीं के बच्चे नहीं थे, ये सभी आर्किटेक्ट बच्चे थे, एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करने के। सो देवर ऑल भावी आर्किटेक्ट्स। लेकिन आग लग गया, करना क्या कुछ पता नहीं। खुद ही मारने के लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होता है, लेकिन बचने के लिए दिमाग का जरूरत है। होटल में हम लोग भी जाके ठहरते हैं, होटल में रात को 2 बजे जब आग लगता ना, ये है हकीकत, नीचे जा नहीं सकते, करना क्या है। तो यहाँ पर ये बच्चे लोग बच सकते थे, इनको करना क्या है, इनको चाहिए रस्सी। जब आप यहाँ पर चौथे माले पर खड़े हो, नीचे पीछे जा नहीं सकते, आप जो भी करना है आगे जाना है, 3 मिनट में ही आपको जो भी करना है। रस्सी थोड़ी होता है, हम लोग तो घर जाते बाहर घूमने के लिए तो रस्सी लेके थोड़ी जाते हैं। रस्सी तो अमिताभ बच्चन लेके जाता था शहनशाह पिक्चर में 10 मीटर, लेकिन इधर बनाना पड़ेगा रस्सी। तो आपका दुपट्टा, साड़ी, उस ब्लैंकेट, उस कर्टन्स और उस बेडशीट को लेके कैसे बनाओगे, ये आपके सामने होगा। ध्यान से देख लो, एक बार आपने देख लिया ना, यू आर रेडी टू डू इट। क्योंकि जिस होटल में आप रुके और आग लग गया ना, रस्सी तो आपको बनाना पड़ेगा। खुद ही मारने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं है, बट यू कैन वेरी वेल डू। हाउ टू मेक इट, दो दुपट्टा, एक लाल है और एक काला है। करना क्या है, काले दुपट्टे को एक सिंपल गांठ, एक सादी गांठ, कुछ स्पेशल नॉट नहीं है, सादी गांठ इसके ऊपर बांधना है। एक सिंपल नॉट, ऑर्डनरी नॉट, ज़्यादा टाइट नहीं बांधना है क्योंकि उसको स्लाइड होना है। उसके बाद लाल वाले को एक बार बांधना है काले के ऊपर, एक बार काले को लाल पे, एक बार लाल को काले के ऊपर बांध दिया। उसका दोनों एजेस को पकड़ो, उसको खींचना स्टार्ट करो। ये देखो नज़दीक आ गया। अब इसको आप जितना भी खींचो ना, ये ऐसी गांठ है जिसको बोलते हैं रीफ नॉट, ये जिंदगी में खुलेगा नहीं। कपड़ा भले फट जाए लेकिन ये गांठ खुलेगा नहीं। माउंटेनियर्स लोग जो पहाड़ पे चढ़ते हैं, जब एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाते हैं बिना नीचे गिरे, दैट इज हाउ दे जॉइन इट। एक्सेलेंट रोप। अभी आपने बना तो दिया, लेकिन अभी यहाँ पर जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं या बूढ़े लोग हैं, उन लोग ने पकड़ लिया, हाथ स्लिप हो गया तो सीधा नीचे आ जाएंगे। और जब हाथ से जब नीचे आएंगे, ऐसा पूरा हाथ स्लिप होने के बाद, ये जो नीचे आएंगे ना, हाथ इतना गर्म हो जाएगा कि बॉडी का रिएक्शन क्या होगा, खोल दो। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे माँ बाप को सीढ़ी से चढ़ने का आदत है, इनको रस्सी से उतरने का आदत नहीं है। तो करना क्या है, तो यहाँ पर हर एक फीट पे, डेढ़ फीट पे कुछ ऐसी गांठ होनी चाहिए ताकि अगर गलती से माँ का हाथ स्लिप हो गया, पिताजी का हाथ स्लिप हो गया, तो इधर आके अटक जाएगा, इधर से स्लिप हो गया इधर आके अटक जाए। अब ये गांठ, इसको बोलते हैं लैडर नॉट, आपके सामने बनाएंगे एकदम एक मिनट के अंदर में। एक सिंपल नॉट है, कुछ खासियत नहीं है, लेकिन ये सब हमको आना चाहिए। करना क्या है, ये जो भी रस्सी, दुपट्टा, साड़ी आपने बना दिया ज्वाइन करके, उसका एक एज अपने अंगूठे में रखना है, अंगूठे में दबा के रखना है एक एज को। उसके बाद में इसको सिर्फ गोल गोल करके अपने इस बीच वाले फिंगर में इसको जमा करना है। ये देखो कैसे करना है, एक गोल हो गया, वेरी गुड, देखो कैसे गोल कर रहे हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा,
और ये लास्ट में जो एज बचा हुआ ना, इसको इसमें से पूरा पास करना है, और जो आपने पास किया है इसको पकड़ के रखना है, और जो आपने थंब में इधर अंगूठे में अटका के रखा था ना, इसको छोड़ देना है, और देखते देखते आपके सामने देखो। अब माँ बाप का हाथ स्लिप हो गया क्या मतलब नहीं है कि वो सीधा तीसरे चौथे माले से नीचे गिर गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सभी चीज सब लाइफ में एक ही बार होता है, और उस एक बार के लिए तैयारी करना है, ये रोज रोज नहीं होता है। एक 6 साल की बच्ची 15 लोग की जान बचा सकते हैं, तो यहाँ पर बैठा हुआ हर बच्चा, उसका माँ और उसका बाप, ये सब कर सकते हैं। थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, और साहब जो ये कोशिश कर रहे हैं सेफ्टी का जो बता रहे हैं, इसमें थोड़ा सा आप लोग ने भी अगर इंटरेस्ट लिया तो इसको हम लोग एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। तो सुरक्षित भारत ये सिर्फ एक नारा नहीं है, इसको हमको अपनाना है, क्योंकि लाइफ में एक ही बार काम में आता है, राइट। सो मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ विली साहब का, जिन्होंने ये हम लोग को मौका दिया। हम लोग फायर एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी तरफ से है। कभी आपको लगा कि आपके स्कूल में तो हम लोग करेंगे, कहीं सोसाइटीज़ वगैरह में लगा, तो ज़रूर बताइए कि ये करना है। सिर्फ एक आदमी का बोलने से नहीं, सबको मिलकर करना पड़ेगा। सो इस दो शब्दों के साथ मैं अपना ये प्रोग्राम ख़त्म करना चाहता हूँ, और विली साहब और उनकी टीम के लिए दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज के इस प्रोग्राम को इस अच्छे शुभारंभ के साथ में शुरुआत किया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। आप सबका ताली सुन के और देख के मुझे ये फीलिंग हो रहा है और ये एहसास हो रहा है कि आपने कुछ नया सीखा। क्या आपने कुछ नया सीखा? और सबसे बड़ा गलती जो लोग करते हैं, उनको लगता है कि 5 मिनट में बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है और अगर आपको और सीखना है, तो फिर मैं राजेश शिर्के सर को और उनके टीम को स्कूल में इनवाइट करना चाहूँगा, और पेरेंट्स और बच्चों के साथ वर्कशॉप्स लेने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो अगर आपका सपोर्ट है तो शायद आप, आई डोंट नो व्हाट यू कैन डू, शायद आप ऐसे कर सकते हैं तो सर को पता चलेगा कि अगर आप में इंटरेस्ट है। सर इफ़ यू वॉन्ट, सर प्लीज़ कम फॉरवर्ड, इफ़ यू वॉन्ट सर, इफ़ यू कैन कम टू आवर स्कूल और वापस कुछ सेशंस हमारे पेरेंट्स या बच्चों के साथ या इनके सोसाइटी या इनके घर में अगर आप कर सकते हैं, तो आई थिंक वी विल बी सेविंग लाइव्स। थैंक यू वेरी मच सर, वंस अगेन अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर राजेश शिर्के।